से मिलते नजर आ रहे हैं। ये भावुकता उधर जो है, भारत जो है वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं, वहां पे मोदी साहब जो है बेस्टाइल डे पे पहुंचेंगे और एक नया जो है वो तारीख रकम करने जा रहे हैं। वहाँ पे उन्हें बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उन्हें रेड कार्पेट पे वेलकम किया जा रहा है। किस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया नरेंद्र मोदी जी को, रेड कार्पेट बिछाया गया और खुद वहाँ की प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने के लिए आई थी और आगे बढ़ी थी नरेंद्र मोदी जी को लेने के लिए। तो ये होती है सम्मान, ये होती है इज्जत। लेकिन नहीं मिल रहा है तो आवाम को राशन नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है। भारत सरमायाकारी के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश उभरती हुई मार्केट बन गया है चाइना को पीछे छोड़कर। फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन पर उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। 1780 से हर साल परेड होती है। अच्छा, ठीक है। अब इस साल जो परेड हो रही है उस परेड में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं। ये मात्र मोदी जी हैं। वैसे मैं मोदी जी को तीसरी दफा मिला हूँ, जब भी फ्रांस आते हैं मैं हर दफा इनको मिलता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब अपने देश के प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत फ्रांस पहुंच गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पेरिस पहुंचकर ट्वीट किया, पेरिस में उतर गया हूं। इस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस सहयोग को बढ़ावा मिलने की आशा है। आज मेरे विभिन्न कार्यक्रमों में शाम को भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी शामिल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पेरिस एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का रेड कार्पेट से स्वागत किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेरिस के होटल प्लाजा एथनी पहुंचे। होटल के बाहर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत के लिए एकत्र हुए थे। उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया। कुछ लोग तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखकर भावुक भी हो गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोग ढोल लेकर पहुंचे थे। अब पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी के फ्रांस में हुए इस भव्य स्वागत को देख सकते में है। भारत के प्रधानमंत्री पे जिनका विजिट होने वाला है फ्रांस पे। देखिए, फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन पर उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। ये मात्र मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन में, उस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है और सर्वप्रथम रखने की बात कही गई है। हमने जैसे इजिप्ट में देखा, हमने जैसे यूएस में देखा, हमने जैसे वॉशिंगटन में देखा, हमने जैसे पापुआ में देखा, हमने जैसे हिरोशिमा में देखा, हमने जैसे और भी कई सऊदी अरबिया में देखा, कई देशों में हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए रेड कार्पेट बिछता है। एक ही तोपो सलामी जैसा सिचुएशन होता है। खुद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं देश के, वो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। भारत का झंडा लगी हुई एक गाड़ी आती है और उनको लेकर के जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा और मोदी जी लिखा हुआ एक बलून और झंडा लहराया जाता है। तो ये सारी चीजें और ये सारे सिनेरियोस, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो पापुआ हो, चाहे वो हिरोशिमा हो, चाहे वो कुछ कोई भी कंट्री हो, तो वहां यहाँ भी फ्रांस में भी हमको देखने को मिलेगा। और हमें देखिए, स्टार्टिंग में ही पता चल गया है कि एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट, फ्रांस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट करके बुलाया जा रहा है। अब पाकिस्तान को ना थोड़ा
मैम जस्ट चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया नहीं जा रहा, साथ ही साथ बहुत मेजर डील्स हैं जो करने जा रहे हैं जिनका आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा जो कि मैं पाकिस्तान में सुन सुन के पक चुका हूँ कि इंडिया को या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को या इंडिया के किसी भी लीडर को रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है कि दुनिया बड़ी मार्केट के साथ, बड़ी आबादी वाले कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करके ट्रेड करना चाहती है, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप इसके ऊपर एज ए इंडियन क्या कहेंगे कि आप आबादी आपकी ज्यादा है, मार्केट बड़ी है, तो शायद इस वजह से आपको वैल्यू दी जा रही है। अबे ये मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और इश्यूज पे। आपका कोई फायदा नहीं है उससे, आपका कोई फायदा नहीं है या मेरा कोई फायदा नहीं है? मेरा फायदा पब्लिसिटी का है और आपका भी फायदा पब्लिसिटी का है कि आपका चैनल और रेनाउंड हो, इसलिए आप हम जैसे स्पीकर्स को लेकर के आते हैं। तो इससे एक रिश्ता तो बंध गया है ना, चाहे स्पीकर और एंकर का ही हो, रिश्ता तो बंध गया है ना। तो देखिए, पाकिस्तान जगह जाकर के कटोरा फैलाने की जो फितरत और नेचर है वो तो हिंदुस्तान की है नहीं। हिंदुस्तान बहुत तरक्की याफ्ता देश है, हिंदुस्तान की जीडीपी 7.2% है, हिंदुस्तान का डिफेंस 4 पोजीशन पर है, हिंदुस्तान में जितने भी जो इकोनॉमिकल ग्राफ है वो अभी बहुत ऊंचे जा चुके हैं, हिंदुस्तान की जीएसटी का आंकड़ा आप टच नहीं कर सकते, हिंदुस्तान में जितने भी टेक्निकल काम हो रहे हैं, डिजिटल काम हो रहे हैं, इसको आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, डार्क फैंटेसी है अभी पाकिस्तान के लिए। तो हम अगर वहां पर जा रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस मान सम्मान ऑनर के साथ साथ कुछ तो उस देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी, कुछ हमारे देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी, ये तो जाहिर सी बात है। इधर पाकिस्तान की हुकूमती जमातों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान की शादी, जो पहली शादी हुई थी, वो जो थे यहूदी लोग थे, तो ये यहूदी लॉबी जो है वो ये इमरान खान की मदद कर रही है। आप ताड़ साहब क्या देखते हैं, क्या हमारी सियासत में मजीद गंद होने जा रहा है? आज जो शीरी रहमान है, हुकूमती मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट की, उन्होंने भी ये कहा कि दाएं बाजू की इजरायली और भारतीय जो जमातें हैं वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। तो ताड़ साहब ये सिचुएशन उधर जो है, भारत जो है वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे मोदी साहब जो है बेस्टाइल डे पे पहुंचेंगे और एक नया जो है वो तारीख रकम करने जा रहे हैं, और हम यहाँ पे यहूदी, पाकिस्तानी, इमरान खान और इन चीजों में फंसे हुए हैं। सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, ये जो इजराइल ने ये स्टेटमेंट दी है? चीमा साहब, एक तो इजराइल की स्टेटमेंट मैं समझता हूँ कुछ बनती तो नहीं बनता, पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम्स में जो है उनका ये स्टेटमेंट देना स्पोकिंग इन आवर इंटरनल इश्यूज मैटर है, जो वहां पे जनीन में अभी हो रहा है वहां पे, उसके बारे में मेरा मकसद है उनको सोचना चाहिए पहले, उस पर तवज्जो दें। उनके अपने मिसाइल बहुत ज्यादा है, एक एक वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो भी इतने फासले से, तो मेरा तुक नहीं बनता।